मोहम्मद यूनुस मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान को बांग्लादेश के एम्बेसडर को वापस भेजो, वापस भेजो बांग्लादेश के एम्बेसडर को वापस भेजो, वापस भेजो वापस भेजो, वापस भेजो वापस भेजो बांग्लादेश के एम्बेसडर को वापस भेजो, वापस भेजो मोहम्मद यूनुस मोहम्मद यूनुस मोहम्मद यूनुस मोहम्मद यूनुस मोहम्मद यूनुस महबूबा मुफ्ती पर एफ आई आर दर्ज करो, दर्ज करो महबूबा मुफ्ती पर एफ आई आर दर्ज करो, दर्ज करो महबूबा मुफ्ती पर एफ आई आर दर्ज करो, दर्ज करो मोहम्मद यूनुस 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 बांग्लादेश के एम्बेसडर को वापस भेजो, वापस भेजो बांग्लादेश के एम्बेसडर को वापस भेजो, वापस भेजो वापस भेजो, वापस भेजो वापस भेजो, वापस भेजो बांग्लादेश के एम्बेसडर को वापस भेजो, वापस भेजो बांग्लादेश के एम्बेसडर उधर भाई रानी वापस भेजो, वापस भेजो बांग्लादेश के एम्बेसडर को वापस भेजो, वापस भेजो मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदुस्तान की सरकार तुरंत कार्रवाई करे। यहाँ जो हमारा एम्बेसडर है बांग्लादेश का यहाँ उसको तुरंत रवाना करने का प्रयास करे। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, सरकार यूनुस की मिलकर के उन पर अत्याचार कर रही है। बचाने वाले लोग जब अत्याचार करेंगे फिर वहाँ हिंदुओं को कौन हरे रामा हरे कृष्णा का जो हेड है उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर एक बड़े हेड एक छोटे हेड को भी अंदर कर दिया। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये कैसी सरकार है जो उग्रवादियों के साथ मिलकर के उन मैनार्टी को मराने का प्रयास कर रही है, और यहाँ की एक ऐसी मुख्यमंत्री भूतपूर्व जो कहती है बांग्लादेश और सब्बल एक जैसा है, वहाँ कोर्ट का निर्णय आया सब्बल के अंदर और उसको लागू करने का प्रयास हुआ। और बांग्लादेश के अंदर शरेआम हिंदुओं को पीटा जा रहा है और पीटने के बाद कोई बचाने वाला नहीं है। माननीय मोदी जी, हिंदुओं के नाम से हमने वोट लिए, हिंदुओं को जगा करके हिंदुओं की सुरक्षा बटेगा तो कटेगा। अब वहाँ कट रहे, अगर कट रहे तो आप बचाने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। यहाँ का जो एम्बेसडर है ये उसकी फोटो है भाई, ये उसकी फोटो ये है, उसको तुरंत यहाँ से रवाना करने का प्रयास किया जाए। और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये अत्याचार कभी बंद होने वाला नहीं है। इसलिए जितने एम्बेसडर उसकी एम्बेसी बंद करो, यहाँ से रवाना करो और चेतावनी दो बांग्लादेश को, अगर इस तरह से हरकतें वहाँ होंगी तो हिंदुस्तान चुप बैठने वाला नहीं है। माननीय ट्रंप जी, आपको भी हिंदुओं को वोट आपके क्षेत्र के अंदर मिला है अमरीका के अंदर। जब चुनाव लड़ा मैं हिंदुओं के विषय के अंदर बात करूंगा, इसलिए मैं बात करना चाहता हूं। श्रीमान ट्रंप जी, आप भी सीधी चेतावनी बांग्लादेश को दो और यूनुस से कहो इस तरह की हत्याएं अगर बंद नहीं हुई वो भी कार्रवाई करें।